संपूर्ण बेसिकपासून ऑनलाईन इंग्रजी व्याकरण शिकवणारे महाराष्ट्रातील एकमेव ॲप आशिष भाकरे सरांचे ABC एज्युकेशन ॲप. ॲडमिशनसाठी आजच संपर्क करा 9923738136. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. दिस इज रॅश माला और आज हम लेके आए न्यू व्लॉग, व्लॉग 2 गुप्तेश्वर मंदिर. ये एक बहुत ही महाभारत के वक्त का मंदिर है जहाँ हम आज जाने वाले हैं. अभी हम आ चुके हैं गुप्तेश्वर मंदिर के पास. अभी हम पूरा अंदर देखेंगे मंदिर कैसा है क्या है, तो चलिए मेरे साथ. महाभारतकालीन मंदिर है. अच्छा. और जैसे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी यहाँ नित्य पूजा के लिए आते हैं. यहाँ पर भी आते हैं. कभी कभी अपने लेट हो जाए पूजा में तो ताजा जल चढ़ावा, फूल चढ़ावा मिलता है. तो रोज सवेरे आते हैं क्या? डेली बिल्कुल, यानी कहने में रात को 4 बजे उनकी फेरी रहती है यहाँ पर कोई रहता रहता नहीं है. फिर आपको कभी दिखा है ऐसा? लेकिन जब वो आते हैं तो उसकी दुर्गंध आती है, वो नासूर की दुर्गंध आती है, उससे समझ जाना कि फेरी लग रही है. और इस मंदिर की महानता बहुत है. हाँ. बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, बड़ी बड़ी मान्यता उतरती है. हाँ. जो लोग मन्नत मांग के जाते हैं उनकी पूरी मान्यता पूरी होती है. अच्छा. नीचे गुफा मंदिर है. कितने साल हो गए? बहुत महाभारतकालीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है. बहुत पुराना मंदिर है. अच्छा. तो फिर जब वो अपने कुछ हानि नहीं पहुँचाते क्या? कुछ भी नहीं. अभी किसी को दिख गया तो बाय चांस कभी? तो दुर्गंध आती तो दिखते नहीं हो. दिखते नहीं? नहीं, दुर्गंध आती यानी उनका नासूर है ना, नासूर का दुर्गंध आते रहता है. अच्छा. तो रास्ता नीचे गुफा है क्या? नीचे गुफा है. रास्ता था आशीर्गढ़ जाने के लिए. अच्छा. डायरेक्ट आशीर्गढ़ से डायरेक्ट यहाँ आते क्या? तो वो रास्ता पहले प्राचीन काल में लोग गए, 2-4 लोग तो वापस नहीं आए, तो रास्ता बंद कर दिया गया. बंद कर दिया गया है. तो कौन रास्ता है यहाँ से डायरेक्ट आशीर्गढ़ में निकलता है? जो आशीगढ़ में जो मंदिर है, शंख शिव मंदिर है, वहाँ पे निकलता है. अरे बाप रे, मतलब डायरेक्ट रास्ता है ना.